वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तसखीर है और मैं देख रहा हूँ इस वीडियो में शाहवीर जाफरी गॉट रोस्टेड। ऑसमो स्पीक्स, यानी कि ऑसमो ने, रजा समो ने जो है रोस्ट किया है शाहवीर जाफरी का। शाहवीर जाफरी भी बड़े यूट्यूबर हैं। शाहवीर जाफरी और रजा समो को सभी जानते होंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। आइडिया आया मेरे पास कि आप पे मैं रोस्ट बनाऊँ। असल में पीछे एक सीरीज चलाई हुई है मैंने। अस्सलाम वालेकुम समो, आई होप यू गुड मैन। हाँ जी, बिल्कुल कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है कि पहले परमिशन ले लो कि मैं आपको रोस्ट कर सकता हूं। इंशाल्लाह, लेट मी नो व्हेन इट्स कंप्लीटेड। उसके बाद कुछ भी करो। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। आज हम जिस शख्स पे छुरी फेरेंगे उसका नाम है शाहवीर जाफरी। आपसे किया हुआ वादा मैं कैसे भूल सकता हूँ। बस ये है कि शाहवीर की छुरी पे हल्की सी चीनी लगा देंगे ताकि वो मीठी रहे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उससे हम गुदगुदी करेंगे। ना जी ना, चलाएंगे और सही चलाएंगे। एक चीज आपने नोट की होगी कि ये बच्चा जमुरा फुदकता बहुत ज्यादा है, यानी कि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऐसे बच्चे अक्सर बाजारों में घूम जाते हैं, अपनी माँ से ही नहीं संभाले जाते। शाहवीर में इतनी एनर्जी है, मुझे लगता है ये सुबह ऑमलेट पे नमक की जगह कोकेन छिड़क के खाता है। मुझे लगता है ये बंदा चाय में चीनी की जगह वाइब्रेनियम घोल के पीता है। ओसाका बैटरी की चलती फिरती प्रमोशन है ये। इस बंदे ने अपने ही घर को कुतखाना बना दिया। कोई 5-6 कार्टूनों के साथ दोस्ती करके उनको घर बैठा दिया और अक्सर उनके साथ व्लॉगिंग करता रहता है। समझ लो कि ये गरीबों का लो गंध पॉल है। अजब किस्म की हरकतें करता रहता है यार। इसने अपने कार्टूनों की तस्वीर बिलबोर्ड पे लगा दी। ओ भाई, जो चाय के बिल पे डिस्काउंट मांगते हैं उनका थोपड़ा बिलबोर्ड पे लगा दियो। बोरा मी राजा जी, बोरा मी। कभी ये बहु बड़ा पिज्जा बना देता है, कभी अपने दोस्त की सेटिंग करा देता है। अभी तो आप रुक जाओ, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखो इसके व्लॉगों के टाइटल क्या होंगे। हे गाइस, आई जस्ट सेट माय हाउस ऑन फायर। आज का व्लॉग हो गया यार। वुल्फ क्रू, यू आर अमेजिंग। अच्छा यार, आज के व्लॉग का टाइटल क्या होना चाहिए? हैं हाशिर, रनिंग नेकेड इन अनारकली बाजार, पब्लिक रिएक्शन गॉन सेक्सुअल। टाइटल अजीब। व्हाट अप एवरीबॉडी, टुडे आई एम गोना टॉर्चर माय फ्रेंड फॉर इंफॉर्मेशन। माय फ्रेंड शाहवीर जाफरी, वो वाला बच्चा है जिसको मना करो कि बेटा वो एक्सटेंशन है, उसमें उंगली मत डाले, करंट लग जाएगा, तो ये उंगली गिली करके डाल देगा। अब आते हैं क्रिस बैट्समैन पे। इसकी मैं क्या लूं, अब हमने इसकी इतनी सुथरी ले ली है। क्रिस बैट्समैन तो 2007 के टुक टुक मिसबा निकले, उम्मीद है जगा दी, स्कोर पास लेके आ गए और कुम के टट्टी कर दी। क्रिस को देखते हुए मेरे मुंह से तो यही अल्फाज निकलते हैं, साले जादा, मुझे तो पहले ही शक था। अब आएंगे हम हाशिर पे, इसका तो हम हाशिर खराब कर देंगे, अब टेंशन न ले। शाहवीर और हाशिर की डील बहुत सिंपल थी भाई। शाहवीर गए हाशिर के पास और बोले, लिसन टू मी, अवाम को फनी कंटेंट चाहिए, फनी कंटेंट चाहिए। हमें तो कोई फनी है नहीं, तो तुझे बली का बकरा बनाएंगे। उसको और फनी करने के लिए हम जैद की हंसी के साउंड बग डाल देंगे। लेकिन यूं तुझे हम तपती धूप में नंगे पांव भगाएं, या तेरी तुनी में शहद डाल के कीड़िया छोड़ दे, तूने चू नहीं करनी, बस तुझे तेरे हफ्ते के 80 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि हाशिर इनका दिहाड़ी पे रखा हुआ राजपाल यादव है। हाशिर भाई सेल्फ डेप्रिशिएटिंग ह्यूमर को इतना सीरियस लेके चले गए कि उनकी अपनी जिंदगी मजाक बनकर रह गई है। अब चलते फिरते पकड़ के कभी इसका दांत निकाल देते, कभी इसको मूतने नहीं देते, और ये गाड़ी में तड़पता रहता है। भाई बचो इनसे, बचो, किसी दिन पकड़ के तुम्हारा सेक्स चेंज ऑपरेशन न करा दे। अब कभी तो ये अपने दोस्तों के ऊपर सांप रख देता है। What up everybody, today I'm gonna scare the shit out of my celebrity friend, जिससे मैं अभी 3 घंटे पहले मिला हूँ, तो आई गेस कंधे के ऊपर पाइथन रख दूँ। आ जाओ, मजा आएगा। सांप के अंदर अगर हम घुस के देखें तो सांप भी ये सोचता होगा, साला ये भी कोई जिंदगी है, जंगल में होती थी जिंदगी हमारी, रोब होता था हमारा, अपना कमाते थे, अपने चूहे खाते थे, यहाँ तो इंसानों के पल्ले पड़ गए, किसी की भी शलवार में घुसेड़ने। अबे प्रैंक करने के लिए हूँ मैं इधर, अबे थूकता हूँ ऐसी जिंदगी पे मैं। अब आते इस शख्स का नाम है अजलान शाह। ये है गज्जू माता का टाइगर किंग। बड़ी खबर तो आपने सुनी नहीं है, नेट जियो वाले अजलान शाह को उठा के एक शो बना रहे। जी हाँ, उसका नाम है मैन वर्सेस माइल्ड, क्योंकि ये वाला इतना वाइल्ड नहीं जाता। अबे ये यूट्यूब का मोगली हर जानवर लेके आ जाता है, क्या सीन है भाई। शेर, गधा, घोड़ा, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वाइब्रेटर सब इसके दोस्त हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस वीडियो में शेर के साथ उंगल ले रहे हैं। अबे शेर,
शेर जो जंगल का बादशाह है उसको आपने कोठे की तवायफ बना दिया है। आइए अब शेर के अंदर की आवाज सुनते हैं। सुबह लग रहा है यार भाई भाई। तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। ये क्या है, मर्द के पुत्र बनो, मर्द की गल करो। अब क्या है कि इस पे ज्यादा बात नहीं, ये ऑडियो बहुत सही डाला है। चीसा बहुत है, चिकना बहुत है, तो जब भी कोई स्मैश मैरी किल खेलता है तो हर कोई शामिल को स्मैश करता है, और नादर अली को हर कोई किल करता है। अब बचा मैरी, तो सीबीए को हर कोई मैरी करता है। अब सीबीए का क्या है कि अरसलान जो है वो तो नेशनल शोहर ऑफ पाकिस्तान है। शाबिर के लिए बच्चियों का क्रेज मैंने देखा है, मुझे समझ नहीं आती कि बॉडी बिल्कुल ऐसी फिर भी बच्चियों के लिए। भाई साहब जब ये पतिता और हुए थे ना तो हारमोनियम सईद के लिए भी इतनी चीखें नहीं आई थी लड़कियों की तरफ, शाबिर के लिए आ रही थी। अरे जज्बात में आके मैंने अपनी टी शर्ट उतार के गोल गोल घुमा के स्टेज की तरफ फेंक दी, वो टी शर्ट मुझे वैसे कभी नहीं मिली दोबारा। मुझे लगता है वो नूर जफर के लहंगे में आके इधर उधर हो गई कहीं। शाबिर की लाइफ इतनी हैप्पी लाइफ है, इतनी हैपनिंग लाइफ है कि बंदा वो उसका रियलिटी से कुछ ताल्लुक ही नहीं है। उसका रियलिटी से इतना ताल्लुक है जितना सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स के एड्स का साइंटिफिक लॉजिक से। पोन और शाबिर के ब्लॉग्स में एक ही चीज़ कॉमन है कि वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन वो सच्चाई से बहुत दूर है। शाबिर भैया कनाडा से पाकिस्तान आए हैं काम के लिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा प्रो, आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, यू आर सच अ गुड लुकिंग मैन। आप बस इंडस्ट्री के लोगों के साथ थोड़े ताल्लुक बना के रखो। आई होप यू लाइक द वीडियो। लेकिन अब आप बताएंगे कि हमारी छुरी तले नेक्स्ट आदमी कौन आना चाहिए। तब तक के लिए कौन आना चाहिए, हमारे दोनों चैनल्स हैं भाई, दोनों चैनल्स कर दो सब्सक्राइब, कमेंट करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ऑन कर ऑन कर ऑन कर, छोटे बस अपना ऑन कर, बीटीएस ऑफ लाइफ। बहुत ही ज़बरदस्त रोस्ट किया, मतलब कहीं कहीं बहुत ही बढ़िया लगी मुझे और खुल के हंसी आई कहीं कहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऑसम आजकल थोड़ा डाउन चल रहे हैं। आई थिंक कुछ साल पहले के मैंने उनके वीडियोस पर ऐसे ही नज़र डाली है तो वो ज़्यादा फेमस हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस, और पहले रेगुलर रहा भी करते थे, कुछ बीच में शायद मसला भी हो गया था। लेकिन आई थिंक ये डिज़र्व करते हैं और ज़्यादा ऑडियंस, और कंटेंट अच्छा होता है इनका काफ़ी। तो जैसा कि परमिशन के साथ इन्होंने रोस्ट किया, लेकिन परमिशन वाली कोई बात नहीं थी उसमें, लगा दी उन्होंने लंका। और सबसे बढ़िया जो मुझे सीन लगा वो शेर के पीछे का जो बैकग्राउंड में वॉइस डाली थी ना, दीपक कलाल की वॉइस डाली थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसमें मेरी ना चाहते हुए भी हंसी छूट गई क्योंकि वो ऑडियो में पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन शेर के ऊपर मुझे देखकर और ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। एंड टाइटल्स काफ़ी ज़्यादा फनी रखे थे इन्होंने कि मैं वीडियो बना लेता हूँ, यानी कि वो शाबिर जाफरी वीडियो बना लेते हैं, अब टाइटल को ऐसे रखे अपने घर में आग लगा रहा हूँ और मैंने ऐसा प्रैंक किया पब्लिक में और अजीब अजीब मतलब टाइटल उन्होंने रखे जिसके अंदर खुद को भी दिखाया इन्होंने। हुमायूं सईद का नाम लिया था इन्होंने, मतलब नाम भी ऐसे क्रिएटिव नाम रखते हैं ये अपनी तरफ से आप बहुत ही ज़बरदस्त वाले। हुमायूं सईद का पता नहीं, मैं भूल गया, हारमोनियम करके था शायद, हारमोनियम सईद, हारमोनियम शायद कुछ उस तरह से था, जो भी था वो बहुत फनी था। तो कुछ कुछ पॉइंट इसमें बहुत ही बढ़िया थे, बहुत अच्छे लेवल के एंटरटेनिंग पॉइंट्स आप कह सकते हैं उसमें वीडियो में, तो मुझे जो लगे ओवरऑल वीडियो अच्छा था, फनी था, मज़ेदार था। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।